गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं मैथ्स का, कैन यू सी द पैटर्न, तो उसमें हमने लास्ट टाइम मैजिक स्क्वायर्स किए थे, तो आज हम करेंगे मैजिक हेक्सागन. तो मैजिक हेक्सागन में क्या है? मैजिक हेक्सागन में इन्होंने ये नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये एक हेक्सागन बनाया हुआ है, ठीक है. इसमें आप देखेंगे, इसमें एक सर्कल एक स्क्वायर, फिर एक सर्कल, फिर एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है. अब इनमें आप देख रहे होंगे कुछ नंबर्स दिए हैं. जब हमने इसको गौर से देखा तो, और यहाँ पर दिया हुआ भी है कि यहाँ पर हमें एक टिप दी हुई है इन्होंने कि 5 13 5 65, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 70 मिले. तो अब 13 5 65, अब हम यहाँ पर कहाँ पर देख रहे हैं, वो 65 तो यहाँ पर है और दो नंबर्स मल्टीप्लाई किया है 13 5. इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न है ये है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके जो उसका आंसर आएगा, जो वहाँ से आएगा, जो हमें नया नंबर मिलेगा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, वो होता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट. तो अब यहाँ पर 13 5 आ गया 65, ठीक है. ऐसे ही फिर हम देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आ रहा है 14 5 70, ठीक है. दो नंबर्स है, 5 यहाँ पर है, ठीक है. फिर नया नंबर जुड़ रहा में 14, तो 14 5 70, तो ये भी ठीक हो गया. 14 7 98, तो वो भी ठीक है. 7 10 70, ठीक है. 10 2 20, ठीक है. 2 13 26, ठीक है. 13 5 65. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें इस पैटर्न में क्या करना है, हमें इस पैटर्न में जो सर्कल में दो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा या उन दोनों का जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें स्क्वायर में लिखना है. अब हमें यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी मिल सकती है कि कहीं पर दो सर्कल में नंबर हो और स्क्वायर में ना हो, कहीं पर एक सर्कल में नंबर हो स्क्वायर में हो और दूसरे सर्कल में नंबर ना हो, तो वो अब हमें खुद ही फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, ठीक है. अब हम ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करेंगे, तो हमें पैटर्न पता चल गया है, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो अब हमें कैसा, ये जो हमें नया जो मैंने दिखाया था बुक पे क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसमें क्या है, हमें 9 दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, फिर उसके बाद का नहीं दिया हुआ है, ठीक है. फिर हमें स्क्वायर में भी नहीं दिया हुआ है, फिर हमें एक और सर्कल दिया हुआ है. तो अब हमें पता है, हम अगर 9 का टेबल बोलेंगे, हम देखेंगे 108 किस 9 के टेबल हम पढ़ने से, 108 हमें कहाँ पर मिलेगा 9 का टेबल पढ़ने से. तो 9 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 12 से हमें 108 मिलता है. 9 2 18, 8 लिखा 1 आ गया कैरी, 9 1 9 1 10, 108, या 12 9 108, है ना. तो चाहे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो या इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट तो हमें सेम ही मिलेगा. तो 9 12 108 या 12 9 108. अब यहाँ पर है 7, तो 7 12 84, 7 12 84, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 84. चूँकि हमें ये नंबर हमने निकाला, अब ये वाला नंबर हमें दिया हुआ था, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, 84. अब हमारे पास नंबर दिया हुआ है 7, 17 भी दिया हुआ है, तो अब हमें इधर क्या लिखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही लिखना है. तो 17 7 119, कितना होता है 119, ठीक है बच्चों. तो अब ये आ गया, अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर सर्कल में भी नंबर है, इस सर्कल में भी नंबर है, स्क्वायर का निकलना है, तो वो आ गया 17 6 102, ठीक है बच्चों, 17 6 102. अब यहाँ पर हमें निकालना है नंबर,
सिक्स या इस सर्कल में दिया हुआ है, इस सर्कल में दिया हुआ है, तो स्क्वायर का लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सिक्स इलेवन जा 66, ठीक है बच्चों। आ गया ये 66। अब यहाँ पर ये 9 दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है, तो अब हम ये निकालेंगे, 9 इलेवन जा 99, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है, या हमें क्या करना है कि अगर स्क्वायर में नंबर दिया हुआ होगा तो हमें देखना है कि वो ऐसा नंबर कॉम्बिनेशन देखना है कि जो उस उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें स्क्वायर वाला नंबर मिले, या अगर हमें सर्कल में नंबर दिया हुआ है तो उन दोनों को प्रोडक्ट करके हमें स्क्वायर वाला नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसका यही पैटर्न है। तो आप खुद से भी नंबर दे सकते हैं, खुद से भी ये मैजिक हेक्सागन बना सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नंबर्स एंड नंबर्स क्या है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 24 + 19 + 37 = 37 + 24 + 19, अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे वो बराबर होगा इन तीनों के, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम ये खुद देखेंगे, हम चलो यहाँ पर एक ट्राई करते हैं ये नंबर लेकर, क्या क्या है हमारे पास नंबर, हमारे पास है टॉपिक है हमारे पास नंबर्स एंड नंबर्स एंड नंबर्स नंबर्स एंड नंबर्स हमारे पास दिया हुआ है 24 + 19 + 37, वो किसके बराबर हुआ, हो गया 7 + 9 हो गया 16, 7 + 9 हो गया 16, 16 + 4 हो गया 20, तो 0 लिखा, 2 आ गया कैरी, 3 + 1 हो गया 4, 4 + 2 हो गया 4 + 2 हो गया 6 + 2 हो गया 8, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 80, ठीक है। अब आप देख लीजिए फिर से 37 है, पहले इसको 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 प्लस करते तो क्या आएगा, 7 + 9 7 7 है, अब 9 ऐड करेंगे इसको, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आया, उसको 4 करेंगे ऐड, ठीक है, 16 17 18 19 20, ठीक है, आ गया 20, 0 लिखा, 2 यहाँ पर कैरी आ गया, ठीक है बच्चों। फिर 3 + 1 हो गया 4, 4 + 2 हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, 80, ठीक है। तो ये हमारे पास 80 आ गया। अब हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो है 37 + 24 + 19, तो वो भी सेम यही है। अब क्या है, 37 + 24 + 19, ठीक है, वही नंबर्स हमारे फिर से रिपीट हो गए। तो चलो इनको भी ऐड करते हैं, देखते हैं 9 + 4 कितना होता है, पहले इसको 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 ऐड करेंगे, 9 9 + 4 9 10 11 12 13 13 13 + 7 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हमें फिर वही नंबर मिला, 20, 0 लिखा, 2 आ गया कैरी, 2 कैरी होगा। अब ये वाले नंबर ऐड करेंगे, 1 + 2 3 3 + 3 6 + 2 8 80, तो इसका मतलब हो गया ये नंबर चाहे हम इस कॉम्बिनेशन में लिखें या ऐसे लिखें तो हमें सेम ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें ये वही बता रहा है कि 24 + 19 + 37 = 37 + 24 + 19, तो ये अब यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिल गया कि जो ये नंबर हैं ये बराबर हैं इसके, चाहे हम एक में इस तरीके से लिखें, दूसरे में इस तरीके से लिखें।
ऐसे यहाँ पर भी दिया हुआ है 215 + 120 + 600 = 600 + 120 + 215। ठीक है, तो ये पैटर्न से भी लिखिए, ये इक्वल ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया, आर दे इक्वल, हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेम वे। अब यहाँ पर हमें ये फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें ये इसी तरीके से लिखना है। अब 14 दिया हुआ है, अब आप देख लीजिए पहले पैटर्न में क्या था, 24 पहले था, ठीक है, वो बीच में आ गया। अब यहाँ पर 14 पहले है, यहाँ पर बीच में है, 37 पहले इधर, 37 पहले यहाँ पर लास्ट में है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम 37 जो यहाँ पर पहले है या इस वाले साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से लास्ट में था, तो यहाँ पर 34 लिखेंगे, तो 20 सेंटर में आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 42, यहाँ पर 120 बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है, अब यही पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 42 यहाँ पर बीच में है, तो यहाँ पर 42 बीच में आएगा। यहाँ पर 65 पहले है, तो यहाँ पर 65 लास्ट में आएगा। यहाँ पर 80 लास्ट में है, तो यहाँ पर 80 पहले आएगा। ठीक है, तो ये हमें ये, अब यहाँ पर 200 300, और वैसे यहाँ पर 400 आएगा क्योंकि एक ही 400 यहाँ पर है, तो 400, तो अब 400 यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 300 200। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो आज हम अब यहाँ तक करेंगे, तो इसके आगे जो ये प्रोडक्ट वाला है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर ये बहुत लंबा हो जाता है बच्चों वीडियो, तो यहाँ तक आज करेंगे, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये आपने पैटर्न समझा ना, जैसे यहाँ पर ये पैटर्न दिया है वैसे यहाँ पर भी है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। चलो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।